तीन कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सरकार ने किसानों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया है। कृषि मंत्रालय की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी बातचीत के रास्ते खोले हुए हैं। तो चलिए सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, जहां पर टीकरी बॉर्डर पर हमारी सहयोगी कविता जोशी जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स और तमाम तस्वीरों के साथ। कविता, जिस तरह से एक लेटर और लिखा गया है अब सरकार की तरफ से कि वो हर मुद्दे पर बातचीत को लेकर तैयार है, इस लेटर के बाद टीकरी बॉर्डर पर किसानों की पहली प्रतिक्रिया क्या रही? देखिए वैभव, किसानों का ये कहना है कि सरकार की तरफ से सिर्फ अभी हमारे साथ चिट्ठी चिट्ठी का जो ये खेल होता है वो खेला जा रहा है, लेकिन हमारी जो मांग है, जो मुख्य मांग है कि तीन काले कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, उसको सरकार जो है बिल्कुल भी देख नहीं रही है। उसको लगातार दरकिनार किया जा रहा है। तो सरकार हमारे साथ जो चिट्ठी चिट्ठी का खेल है वो खेलना बंद करे। जो हमारी मांग है, ठोस रूप में, ठोस प्रस्ताव में ये बताया जाए कि क्या सरकार तीन काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार है, क्या सरकार जो है वो एमएसपी पर कानून लाने को तैयार है। अगर सरकार इस पर अपना रुख साफ करेगी तो बातचीत के लिए जो है किसान तैयार हैं, आंदोलन भी खत्म हो जाएगा अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है। लेकिन सरकार अगर केवल चिट्ठी चिट्ठी खेल करके समय काटना चाहती है तो हमारे पास तो पर्याप्त समय है। हम पूरी तैयारी के साथ, अपनी मांगों के साथ अड़े रहेंगे, चाहे भले इसमें दो दिन लगे, छह महीना लगे, साल लगे, दो साल, चार साल, हम जो है यहीं पर लगातार ऐसे ही दिल्ली की सीमाओं को जाम किए हुए रहेंगे, आंदोलन को जारी रखे हुए रहेंगे। वैभव, मैं छोटी सी आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। अभी तक हम आपको दिखा रहे थे कि तमाम किसान जो है वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आज हमारे साथ एक युवा जो है वो कनाडा के वैंकूवर से आंदोलन में समर्थन देने के लिए आए हुए हैं, अजय पाल सिंह ब्रार, उनसे मैं बातचीत कराना चाहूंगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि विदेशों से भी आंदोलन को समर्थन मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। तो अजय जो है वो एक तरीके से कनाडा से समर्थन कर रहे हैं अपने समुदाय को, और आज यहाँ पर खुद आए भी हुए हैं। उनसे पूछते हैं, अजय आप बताइए कि मतलब सपोर्ट के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या आपको कहना? सबसे पहले तो ये जनता टीवी के जितने भी आपके व्यूअर हैं, मैं सबको स्नेहर सत श्री अकाल बोलना चाहता हूँ। और मैं परसों रोज से कनाडा से यहाँ उतरा था और तभी से यहीं हूँ, और मेरा आने का सिर्फ एक ही कारण है जी, क्योंकि ज़िंदगी में हम अगर कनाडा गए हैं या कोई भी एनआरआई किसी भी देश में गया है तो मैं समझता हूँ वो अपनी ज़मीन के बल पे ही गया है। और आज अगर हमारी ज़मीनों को, हमारे लोगों को हमारी लोड है, हमारी सोसाइटी को हमारी लोड है, तो हम पे बैक करने के लिए, या मैं समझता हूँ कोई भी एनआरआई वीर जो पहुँचे हैं, मेरे मैं नहीं, बहुत सारे एनआरआई वीर और भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम यहाँ आके किसानों के सपोर्ट के लिए आए हैं। सरकार बात करने के लिए तैयार है, लगातार लेटर भी आप लोगों को लिख रही है, तो बातचीत तो अभी हो नहीं पा रही है, आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा सरकार पे? सरकार ते सानू भरोसा इसलिए ही नहीं हो रहा जी, क्योंकि वो एक पंजाबी में एक कहावत है भी, एक चोर होता है वो दो तीन बार पकड़ा जाता है और बाद में जब भी कोई चोरी होती है उस शहर में तो लोग उसका नाम ले देते हैं, तो वो उसका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसने पहले बहुत की होती है। वही बात है जी, हमारे भरोसे पहले बहुत टूटे हैं, सरकार पे हम भरोसा कैसे करें जब आज तक इन्होंने हमारे साथ दगा किया। पंजाब की खास तौर पे अगर बात करें, मैं पूरे पंजाब की बात करूंगा जिसमें हरियाणा हिमाचल भी शामिल था, हमारे साथ मतरेई माँ वाला जो सलूक है शुरू से ही केंद्र की सरकार करती आई है, इसलिए हमें सरकार पे ऊपर कोई विश्वास नहीं है। कनाडा में आंदोलन कैसा चल रहा है, वहाँ पे कैसा रंग देखने को मिलता है? कनाडा में आप वहीं से आ रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से आंदोलन चल रहा है? देखो जी, कनाडा में तकरीबन कनाडा की 2.5% 3% पॉपुलेशन हमारे पंजाबी भाइयों की है, और कनाडा में आए 10 दिनों में एक या दो जड़े कार रैली और प्रोटेस्ट होते हैं, और वो इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट वैनकूवर में वो प्रोटेस्ट करवाए जाते हैं। बड़ा पीसफुल तरीके से वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो सभी साथ देते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर देखा जाए तो ये बढ़िया कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को कोलैबोरेट करके बनाया गया है, और प्रोटेस्ट करना पहली हक है, हर बंदे का हक है वो प्रोटेस्ट कर सकता है, और हम तो खलारा खड़का दड़का कर ही नहीं रहे, हम तो कर ही पीसफुल प्रोटेस्ट रहे हैं। कनाडा की आपने बात की तो मैं खास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हर रोज़ शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक सरी में, वैनकूवर में अलग अलग चौकों पे खड़ के
जे होर्डिंग लेके खड़े हैं और जो गोरे हैं या होर कम्युनिटी हैं वो जब भी वहाँ से क्रॉस करते हैं फार्मर के हक में हमें जो उत्साहित करते हैं वो हॉक कर करके हमें उत्साहित करते हैं। हर रोज़ की ये बच्चों की ड्यूटी है और जो बड़े भी हैं वो अगर वहाँ का मीडिया भी है वो भी बहुत साथ दे रहा है। डाउनटाउन में जो टीवी स्क्रीन होते हैं वहाँ पे हमारी खबरें कवर हो रही हैं, बीबीसी न्यूज़ हमारी खबर दे रहा है। अगर जिम वगैरह जाते हैं युवक तो वहाँ स्क्रीनों पे, पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे भी आगे अगर मॉल की बात कर लो तो वहाँ पे भी, मतलब दुनिया सारी तो किसानों के हक में खड़ी है लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुस्तान की इंडिया की है वो किसानों के हमेशा उल्ट खड़ी है, आज भी हमारे उल्ट खड़ी है। एज अ NRI सिटीजन ऑफ इंडिया आप सरकार से प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखो जी अपील मैं यही करना चाहना सेंटर सरकार नू आप जी के माध्यम के राही भी साड़ी यह गुजारिश है थोनू। अब तो मैं वो हिंदी में एक बात मैंने यहाँ एक कार पे लिखी थी मुझे बहुत अच्छी लगी मैं बताना चाहता हूँ। उस पर लिखा था भी मोदी जी बातें हैं दो, या तो यस या फिर नो। तो मैं गुजारिश करता हूँ, पता मेरे ख्याल से सरकार को भी लग गया है क्योंकि हमारे जो इरादे हैं वो बड़े दृढ़ हैं। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था निश्चय कर अपनी जीत करूँ, तो हमारा निश्चय हो गया है। बच्चे बच्चे से लेकर के 80-90 साल के बुज़ुर्ग तक, और ख़ास तौर पे एक और बात का यहाँ पे जिक्र होता है भी जो हमारी माताएं हैं बहनें हैं, जब किसी आंदोलन में मैं समझता हूँ औरत भागीदार बन जाती है तो उस आंदोलन की जो जीत है जो फतेह है वो हमेशा ही होती है, इसलिए हमारी भी जीत बिल्कुल होगी। तो वैभव आपने सुना, मतलब देखिए कैसे, मतलब एक युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, ये कह रहे हैं कि केवल दो बात करें मोदी जी, या तो यस या नो, और उसके अलावा जो है इनको अब कोई और मतलब मांग जो है सरकार की या बात मंजूर नहीं है। और दूसरी तरफ ये अपने सिख धर्म के बारे में, अपनी दृढ़ता के बारे में भी बता रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं अपना कनाडा से, विदेशों से आकर के भी। तो आंदोलन में देश के अंदर से भी समर्थन मिल रहा है और बाहर से भी मिल रहा है। चलिए कविता, बिल्कुल आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी रहिएगा, एक एक खबर हम तक पहुंचाती रहेगा। फिलहाल के लिए कविता आपका बहुत बहुत शुक्रिया।